हम आए हैं माहिम के मेले में, जहां आप देख सकते हैं काफी लोगों की भीड़ भाड़ आपको नजर आ रही होगी चारों तरफ। हमारे कैमरे में भी आप देख सकते हैं यहां पर काफी भीड़ नजर आ रही होगी यहां पर आपको। और यहां के कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि यहां पर जो झूले चालू करने के लिए इनको परमिशन के जो है परमिशन नहीं मिल रही थी, और ये पहले साल उनका ऐसा मतलब मसला हुआ है कि जो परमिशन के लिए इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और उसके बाद में इनके जो परमिशन जब मिली काफ़ी उनके बिजनेस में लॉस भी उन्होंने बताया हमें। और हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे जिनके मतलब यहाँ पर झूले वगैरह लगते हैं माहिम मेले में, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? हफीज पटेल। हफीज जी, जैसा कि आपने हमें बताया था कि झूले की यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही थी और यहाँ पर काफी मतलब देर आपको परमिशन मिली, इस बारे में आप क्या कहोगे? बस वही, हम लोग को जो परमिशन से रुकाया जा रहा था चारों तरफ से, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम ना होए। हम लोग 5 साल से परेशान है, हमको भी कोई, हम लोग के उम्मीदवार कोई हमारे तरफ से खड़ा हुए जो हमको ये परेशानी से हटाया जाए, कि हम भी थक गए 5 साल से लड़ लड़ के, हम पीछे तो हटेगी नहीं, पर ये सब प्रॉब्लम से हमें हटाया जाए। ये बेफजूल की परेशानी है, इसमें कोई मकसद नहीं है ना कोई इसमें फ़ायदा है जो हम लोग को परेशान कर रहे बंदे लोग। तो किस वजह से मतलब आपको परमिशन नहीं दी जा रही थी? क्योंकि आपके पास पेपर्स का 2-3 पेपर्स कम है, फिटनेस पेपर कम है, फायर ब्रिगेड कम है, बाकी हमारे पास हर डॉक्यूमेंट है, हर जो हमको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगता है हम सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को कम्प्लीट लेके फिर हमारा स्टार्ट करते हैं, हम बिना वो डॉक्यूमेंट्स के हम भी स्टार्ट नहीं करते मेला। तो झूले के जो लेट परमिशन के वजह से आपको बिजनेस में कुछ मतलब कमी महसूस हुई? बहुत भारी नुकसान हुआ है हमारा उस पर, जो हमको बहुत भारी नुकसान हुआ, तो हम ये अपील करते हैं कि हमारा 2 से 3 दिन हमको एक्सटेंड करके मिला जाए पुलिस से, तो हमारा थोड़ा नुकसान थोड़ा बहुत कवर हो जाए। जैसा कि इनका कहना है कि हमारे जो 2-3 दिन जो मतलब एक्सचेंज अगर होके मिलते हैं तो हमारे बिजनेस में जो है वो लॉस हमें नहीं उठाना पड़ेगा और इनका बिजनेस जो है सही तरीके से चलेगा। अब हम बात करेंगे, आपका शुभ नाम? आजम खान। तो आजम जी, जैसा कि भाई ने हमें बताया है कि 2-3 दिन एक्सचेंज करके अगर हमें मिलता है तो बिजनेस में हमें लॉस नहीं उठाना पड़ेगा, तो आपका क्या कहना है इस मामले के बारे में? हमारा कहना तो ये है, हमारा जो स्टार्टिंग का 4 डेज बंद था झूला, जॉइंट व्हील जो बंद था, स्टार्टिंग का 2 दिन तो पूरा ही बंद था क्योंकि जॉइंट व्हील का हमारे को परमिशन नहीं मिल रहा था DCP साहब के इधर से, तो हमने पूरा मेला ही 2 दिन बंद रखा था। 3rd डे भी हमने खाली नीचे का जो माल है सब जॉइंट व्हील छोड़ के वो चलाया है, 4th डे भी हमने खाली वही चलाया। फिफ्थ डे हमारे को 8:30 बजे परमिशन मिला जॉइंट व्हील चालू करने का, तो हमने 8:30 बजे जॉइंट व्हील चालू किया। तो हमारा यही बोलना है कि हमको जो नुकसान हुआ है हमारा, हम इतने दूर से जो झूला लाए हैं, राजस्थान से हमारा झूला आया है, तो हमारे का बहुत नुकसान हुआ है लेबर वगैरह का, हमको 2-3 दिन तो एक्सटेंड करके मिलना चाहिए। और ये जो सताने की साजिश है हमारे को 5 साल से रची जा रही है, लेकिन हम यहाँ के जो लोकल MLA है सदा सावनकर साहब, उनकी हमारे को 5 साल से हेल्प है और वो हमारे को अच्छी हेल्प करते हैं। सदा सावनकर साहब के पास हम जाते हैं हर साल, जब हमारे को ये प्रॉब्लम आती है हमारे जाते ही उनने DCP साहब को फ़ोन किया और DCP साहब के क्या है डिस्कस किया, सब बात हुई DCP साहब से, तो उनके बस एक दिन बाद हमारे को अच्छा रिजल्ट आया, झूला चालू करने मिला हमारे को। मैं सदा सावनकर साहब का शुक्रगुजार हूँ, DCP साहब का, कमिश्नर साहब का, जिन्होंने हमारे को परमिशन दिया। लेकिन ये कोई लॉ जो होता है, एक लॉ से कोई मना नहीं है जॉइंट व्हील, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है जो जॉइंट व्हील नहीं चले, सब ऑर्डर है। अगर ऐसा बैन रहता, अगर नहीं चलने देते तो कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को परमिशन नहीं दिया जा रहा था। हमारे को लास्ट 5 ईयर से बहुत सताया जा रहा है माहिम के मेले में, इससे पब्लिक को गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि पब्लिक जब मेले में, आपको पता है मखदूम शाह बाबा का मेला बॉम्बे में ऐसा है कि हर जगह के लोग आते हैं इधर पे, और हर जगह के लोग जब आते हैं तो ये मेला जब झूला बंद लगता है तो पब्लिक नाराज़ होकर जाती है, क्योंकि पब्लिक जो जॉइंट व्हील है वही झूलों में सबसे शान है, मान है झूलों की, तो पब्लिक एकदम नाराज़ होकर जा रही थी, तो हमारे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सदा सावनकर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमारी हेल्प की, और हम हमेशा उनसे उम्मीद रखेंगे कि ये सब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, जो भी हमारे को प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ा कॉपरेट करे, क्योंकि मखदूम शाह बाबा का जो मेला है वो सबका मेला है, और जो शान मान है मेले की वो सबकी है, यहाँ से तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कमाने के लिए। बम्बई में जो मेला है मखदूम शाह बाबा का, वो मेला अच्छे से होना चाहिए, ये साल 5 ईयर्स जो हो गया लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ आने वाले साल में
इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल के जो भी करना है करो और जो भी होगा अब इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आपकी भी मतलब यही मांगे कि मतलब जो तीन दिन चार दिन जो एक्सचेंज करके आपको भी मतलब यही बोलना है इस बारे में? मेरा यही बोलना है कि जो चार दिन हमारा लॉस हुआ है वो दो तीन दिन एक्सटेंड करके मिले। जॉइंट व्हील तो अभी आज का जो है सेकेंड डे जो चालू हुआ है और लास्ट थर्ड डे तो 8:30 बजे चालू हो पाया था, तो कुछ नहीं। और हर साल से ज़्यादा इस साल तो मेले में बहुत इफेक्ट पड़ गया है जॉइंट व्हील बनों से। जो पब्लिक का रश रहता था जो रहता था वो देखने नहीं मिल रहा है अब माहिम के मेले में, क्योंकि सब धंधों वालों का भी कहना यही है। हम लोग ने डिस्कशन भी यही किया है कि कल रात में भी हम लोग ने सब डिस्कशन किया कि वो पब्लिक देखने नहीं मिल रही है जो लास्ट फोर ईयर से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी पब्लिक आती थी, लेकिन ये बार वो पब्लिक जो मेले में देखने नहीं मिल रही है। हमें प्रेशर करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो पब्लिक के जो पर जो रश होती थी वो इस साल नहीं देखने मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें तीन चार दिन के बाद में काफ़ी मतलब परमिशन दी गई है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी हैं झूले में खेल रहे हैं, लुप्त उठा रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब इसका मजा उठा रहे हैं झूलों का। अब हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। तो मोहम्मद हसनैन जी, आप कौन से झूला पसंद करते हो, कौन से झूले में आप बैठे हो? जंपिंग जापान और ऐसा घूमने वाला। आपका बेटा नाम? तंजीला मोहम्मद जुनेद खत्री। बेटा आप कौन से झूले में बैठना पसंद करते हो? मेरे को सबसे ज्यादा झूला जंपिंग जापान अच्छा लगता है, हमेशा मैं उस पे ही बैठती हूँ, मुझे वो ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप वो झूले में बैठ चुके हो? हाँ। फिर से बैठना चाहोगे? हाँ। ओके ठीक है, थैंक यू। बेटा आपका नाम? मुजम्मिल। मुजम्मिल बेटा कौन से झूले में बैठना पसंद करते हो आप? ये वाले झूले में। अभी आप बैठना पसंद करोगे इसमें? हाँ। आपको मतलब झूले में जाना है?